चलिए तो ठीक है, आज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर के बारे में। विभवांतर, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर। देखिए इसको, इसमें बोलने में ही इसका आंसर है। विभवांतर माने विभव के अंतर, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बहुत ही प्यारा शब्द है, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर यानी विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो इसके बारे में लिख लेंगे, विभव के अंतर, है ना, विभव के अंतर, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापते हैं। किस नापते हैं? वोल्ट मीटर से। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही। आप आज सीखेंगे कैसे हम एमीटर वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ते हैं, किस प्रकार जोड़ते हैं। इसलिए आपका ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बारीकी से समझने का प्रयास करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ समझें, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है, विभवांतर, विभव अंतर, विभव अंतर, विभव अंतर यानी विभवांतर, यानी विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। और विभव को किस चीज से मापते हैं? वोल्ट मीटर से। सॉरी, मतलब विभवांतर को किस से मापते हैं? वोल्ट मीटर से। विभवांतर, विभवांतर को वोल्ट मीटर, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। विभवांतर को किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। अब वोल्ट मीटर को लिखते कैसे हैं? वी लिखकर कैसे घेर देते हैं, ठीक है। ऐसे यदि आप वी लिख दिए तो ये आपका वोल्ट हो गया, ऐसे लिख के ऐसे घेर दिए तो आपका ये क्या वोल्ट मीटर हो गया, ए लिखे एम्पियर हो गया, ऐसे लिख के ऐसे घेर दिए एमीटर हो गया। ये आपको फिजिक्स की भाषा समझना पड़ेगा। वी से वोल्ट और वी से वोल्ट मीटर, ए से एमीटर और ए से आपका एम्पियर। लेकिन ए लिख करके घेर दिए तब एमीटर, वी लिख के घेर दिए तब वोल्ट मीटर, नहीं घेरे तो फिर उसका नाम बदल गया, वी से हो गया विभव या वी से हो गया वोल्ट, ए से हो गया आपका एम्पियर। ऐसे क्या हो गया? एम्पियर। और घेर देंगे तो हो जाएगा एमीटर, वी से आपका विभव या वी से वोल्ट, जब घेर देंगे तो क्या होगा? वोल्ट मीटर, ठीक है। तो विभवांतर को किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। और विभवांतर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। विभवांतर, विभवांतर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। विभवांतर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर को कहाँ जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए आज हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण करने के लिए सीखेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हम जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। यदि आपको जोड़ने के लिए आ गया, समझ गए, तो आप आसानी से जो है फिजिक्स को समझ रहे हैं, आप आसानी से फिजिक्स की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं आ रहा है, समझिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें और आगे समझने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं। आइए सबसे पहले हम एक लेते हैं वोल्ट मीटर, एक हमने लिया है वोल्ट मीटर, और एक हमारे पास एक बैटरी है, इसको हमको जोड़ना है, ठीक है। एक हमारे पास वोल्ट मीटर है और एक जो है हमारे पास बैटरी है, और इसको हमको जोड़ना है। कैसे इसको हम जोड़ेंगे? तो आइए ध्यान देंगे कि विभवांतर को, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर, सॉरी सॉरी, यहाँ पे वोल्ट मीटर लिखा है ना, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब क्या हुआ? समांतर क्रम का मतलब हुआ किसका, जो दो वायर रहेगा वोल्ट मीटर में, से क्या रहेगा? दो वायर रहेगा। तो क्या करना है? एक वायर को प्लस वाले से जोड़ना है और एक वाले को माइनस वाले से जोड़ना है। यही आपका हो गया समांतर क्रम, यही आपका सर्किट को पूरा कर गया, ये आपका सही है, ठीक है। इसी क्रम को बोलते हैं समांतर क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम बोलते हैं। अब जो है हम आपको यहाँ पे एक देते हैं, और श्रेणी क्रम क्या होता है? एक आपका देखिए एमीटर है, और एक जो है
हमने एक बल्ब लिया है, ठीक है, एक एमीटर है और एक बल्ब है और एक हमारे पास बैटरी है, इसको आपको जोड़ना है। हम जानते हैं एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एमीटर को कहाँ जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं वो हमको देखना है, क्या आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए पहले आप जोड़ लीजिए, इसके बाद आप मिलाइएगा। हम आपको समय दे रहे हैं, ये एमीटर है, ये आपका बल्ब है और ये आपका बैटरी है। चलिए तो पहले आप इसको जोड़ लीजिए, कैसे आप इसको जोड़ सकते हैं, कैसे आप इसको जोड़ सकते हैं। चलिए अपनी कॉपी पे जोड़ने का प्रयास करें, फिर आपको हम बताते हैं कैसे इसको हम इसको परिपथ में जोड़ सकते हैं। ये एमीटर है, ये बल्ब है, ये आपका क्या है, बैटरी है। चलिए हो गया, दो वायर यहाँ भी जोड़ने का। चलिए देखिए, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि एमीटर का एक पैर और बल्ब का एक पैर इसके दूसरे से तो इसके पहले से जोड़ना है, और यहाँ से एक वायर को इसमें जोड़ देंगे प्लस वाले में, और यहाँ से एक वायर को माइनस वाले में जोड़ देंगे। यही आपका जो क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया, ये आपका जाके परिपथ को पूरा कर गया, ठीक है। चलिए आपको हम दूसरा फिगर दिखाते हैं। चलिए इतना आप समझ गए, वोल्ट मीटर और मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, इतना समझ में आ गया। तो चलिए आपको एक फ्रेश क्वेश्चन हम देते हैं, उसको आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिएगा, ये आपका बल्ब है, ठीक है, ये आपका एमीटर है और ये आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है, और ये आपका बैटरी है। चलिए इसको आपको जोड़ना है, कैसे इसको आप जोड़ेंगे। चलिए जोड़िए, एमीटर बल्ब और ये आपका वोल्ट मीटर, ये आपका बैटरी। चलिए पहले जोड़ लीजिए, अपने से जोड़ लीजिए। चलिए हो गया, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप हमको एक बताइए, हम एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में, जोड़ते हैं, आइए। तो बल्ब का एक पैर और एमीटर का एक पैर, बल्ब का दूसरा आता है एमीटर का पहला, जोड़ दिए, जोड़ दिए। यहां से इसको जो है इसमें जोड़ दिए, जोड़ दिए, यहां से जो है इसको ऐसे इसमें जोड़ दिए। बताइए ये जो आपका क्लियर हो गया, एमीटर का इससे इसे जोड़ दिए, ये को इससे इसे जोड़ दिए, श्रेणी क्रम हो गया ये। अब बात रह गई वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जोड़ते हैं समांतर क्रम में, कहाँ जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, यानी इसका एक पैर है तो एक पैर से इसमें जोड़ देंगे और एक पैर से इसमें जोड़ देंगे, ये आपका फुलफिल हो गया। चलिए समझ गए, बिल्कुल समझ गए, आपने ऐसा बनाया है आपका बिल्कुल सही है, नहीं ऐसा बनाया तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस बार अगला बार आपको एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए, इस बार आपको पक्का सही करना है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा इस बार जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बिल्कुल ही आपका आसान है, ठीक है, बिल्कुल ही आपका दम आसान रहेगा, आप दम इंतमिनान से दम बना सकते हैं, समझे, इंतमिनान से दम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको सोचने की आवश्यकता है। चलिए तो ये आपके क्वेश्चन रह गया है, चलिए बनाइए। हो गया, आइए देखते हैं। पहले हमको जोड़ते हैं एमीटर को, तो एमीटर का दूसरा बल्ब का दूसरा पैर और एमीटर का पहला पैर से जोड़ दिए,
एक पैर से इसमें ऐसे जोड़ दिए प्लस वाले में, ये माइनस वाला आपका है, ठीक है, और एमीटर से एक जोड़ दिए इसमें जोड़ दिए, ये तो हो गया क्लियर हो गया कि एमीटर का एक पैर दूसरे वाले पैर से, इसका एक पैर नेगेटिव वाला से, इसका एक पैर पॉजिटिव से, बल्ब और एमीटर जुट गया श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब रह गया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर एक को जो है हम यहाँ से ऐसे इसमें जोड़ देते हैं, और एक जो बचा इसको यहाँ से कट करके ले आएंगे या इसमें जोड़ देंगे, ये आपका क्लियर हो गया, पक्का सब लोग बना लिए। चलिए आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, इस बार जो है आपको तो बिल्कुल सही होना चाहिए, इस बार यदि सही बना लिए समझिए आप लोग आपका जो समय है बिल्कुल सही जा रहा है, तो आप समय जो आप दे रहे हैं आपका समय बिल्कुल सार्थक जा रहा है। चलिए आइए मेरे साथ देखिए, एमीटर वोल्ट मीटर, एमीटर इधर आपका बल्ब, ये वोल्ट मीटर, ये आपका एमीटर है, और यहाँ पे एक बैटरी है। चलिए इसको आप जोड़ दिए तो आप बिल्कुल ही आप समझ रहे हैं, इसको आप जोड़ दिया आप बिल्कुल समझ रहे हैं, चलिए हो गया। आइए देखते हैं, तो ठीक है कैसे कैसे जोड़ना है, पहले इस तरह से दो पैर निकाल लिए, एक पैर इसका और एक पैर इसका जुड़ गया, यहां से एक पैर इसमें जोड़ दिया और यहां से एक पैर इसमें जोड़ दिए, ये हो गया। अब क्या है, आप चाहो तो एक पैर यहां से इसमें लगा दो और एक पैर यहां चाहो तो इसमें लगा दो, समांतर क्रम हो जाएगा, एक सीधे प्लस से और एक क्या हो गया माइनस से हो गया, यही तो आपका बात है, या आप चाहो तो यहाँ से यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ भी कट कर सकते हो, थोड़ा घुमा कर ले आए तो थोड़ा सा ये नहीं हुआ, क्रॉस नहीं करना पड़ेगी हमको कहीं पे, ठीक है बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं चित्र से संबंधित, पहचानना इसमें से आपको कौन सही है, ठीक है आपको पहचानना है कि दिए गए चित्र में कौन सा जो है आपका सही है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा चित्र सही है, निम्न में सही चित्र है, निम्न में सही चित्र है, ए है, बी है, सी है कि डी है, ऐसा आपको पहचानना है। पहला चित्र में आपका है एमीटर है, ये आपका प्रतिरोध है, ये बैटरी है, एमीटर प्रतिरोध बैटरी, एमीटर प्रतिरोध बैटरी, एमीटर प्रतिरोध बैटरी, सबको जोड़ा गया है। हम जानते हैं एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए आपको बताना है इसमें कौन सा चित्र सही है, चलिए देखने का प्रयास करेंगे। पहले देखिए ई एमीटर है, एमीटर का दो पैर, एक पैर यहाँ से जुड़ा डायरेक्ट आ गया प्लस आ गया बैटरी से जुड़ा, यहाँ से जुड़ा दूसरा क्या है प्रतिरोध है, एक पैर में जुड़ गया, इसका एक प्रतिरोध यहाँ से लिया, ठीक है, ये आपके बैटरी में जुड़ गया माइनस वाला में, यानी ये आपका बिल्कुल ही सही है, ये आपका सही है। बी देखा जाए तो देखिए एमीटर, एमीटर जो है एक यहाँ से लाया, एक पैर इधर जोड़ा, एक पैर इधर जोड़ा, प्रतिरोध है इसमें एक जोड़ दिया, इसमें एक जोड़ दिया, यानी ये रॉन्ग है, यानी इसका कहने का मतलब इस आपका इस तरह का चित्र है, ये कैसे जोड़ा और एक जो है ऐसे जोड़ दिया, देखिए यहाँ से लाया इसमें जोड़ दिया, यहाँ से लाया इसमें जोड़ दिया, लेकिन है तब जा करके इसको जो है बैटरी जोड़ा है, ये आपका चित्र गलत है, ये आपका सही चित्र नहीं है। सी देखिए,
एमीटर एक पैर इधर प्रतिरोध में, एक पैर इधर बैटरी में, प्रतिरोध का एक पैर यहाँ के बैटरी में, ये भी आपका सही है। एमीटर इधर एक प्रतिरोध में जुटा, एक आगे बैटरी में जुटा, प्रतिरोध का एक पैर आके बैटरी में जुटा, यानी ये भी आपका सही है। यानी आपका ए बी आपका ए सी डी तीनों सही है, बी गलत है। यानी निम्न में सही चित्र का सही चित्र क्या है, ए सी डी है, तीनों आपका सही है। अब आप बिल्कुल आप समझ गए हैं कि किस प्रकार से हम इसको जोड़ते हैं हम लोग। यानी यहाँ से हम एक बात निकाल लिए कि एमीटर, एमीटर जिसका प्रतिरोध जो है सबसे कम होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, सबसे कम होता है। और इसको कहाँ जोड़ते हैं, इसको हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। आइए देखिएगा इसमें, इससे आपका एक क्वेश्चन अभी अभी हम बनेगा, ठीक है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का आर जो होता है अधिक होता है, क्या होता है, यानी प्रतिरोध इसका अधिक होता है। और इसको कहाँ जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आता है कि एक विद्यार्थी जो है भूल से, गलती से एमीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो जोड़ने से इसका परिणाम क्या होगा। जबकि हम जानते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, है कि नहीं। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा आपका एग्जामिनेशन में पूछता है कि एक विद्यार्थी भूल से एमीटर को समांतर क्रम और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देता है, तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको लिख देते हैं पहले हम। चलिए तो आपके पास क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन क्या है सामने आपके पास है, एक विद्यार्थी ने भूल से एमीटर को समांतर क्रम में तथा वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देता है, तो इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या होगा, एक विद्यार्थी है जो एमीटर को श्रेणी क्रम में, है ना, न जोड़ करके कहाँ जोड़ दिया, एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, मैंने उल्टा जोड़ दिया, उल्टा जोड़ दिया। आपने कभी भी ऐसा देखा होगा, आपसे भी ऐसा हुआ होगा कि प्लस वाला माइनस में या माइनस वाला प्लस में, यानी जहाँ प्लस वाला हमको जोड़ना है वहाँ माइनस वाला जोड़ दिए, जहाँ माइनस वाला जोड़ना है वहाँ प्लस वाला जोड़ दिए, उल्टा पुल्टा जोड़ दिए, तो क्या होता है। तो ज़रूर ही इसका कोई परिणाम निकलता होगा, जल जाता होगा, ख़राब हो जाता होगा या बल्ब जलने लगता होगा, वो तो आप समझ ही रहे हैं, है कि नहीं। एक विद्यार्थी ने भूल से एमीटर को समांतर क्रम में तथा वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देता है, तो इसका परिणाम क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आपका स्टार लेवल का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है परीक्षा में, हमेशा पूछता है। चलिए तो इसका हम लोग हल देख लेते हैं क्या हो सकता है। आइए सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे मेरे साथ कि हम एक बात जानते हैं, हम जानते हैं कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कहाँ जानते हैं, हम जानते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध जो है बहुत ही कम होता है, हम जानते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन जब इसे समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं तो इससे अधिक धारा प्रवाहित होने लगेगा, जब इसे समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो इससे अधिक धारा प्रवाहित होने लगेगा और यह क्या होगा, खराब हो जाएगा, और यह क्या होगा, खराब हो जाएगा। तथा वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है, इसीलिए इसे समांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं। लेकिन जब वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो आपका यहाँ से ये जो विभवांतर का जो मान जो बताएगा ये आपका सही नहीं बताएगा, समझे, यही आपका आंसर है इसका, समझे। कि हम जानते हैं, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन जब इसे समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो इससे अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है और यह खराब हो जाएगा,
जिससे यह क्या हुआ, खराब हो जाएगा, तथा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है, इसलिए इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन जब इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, भूल से श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो यह विभवांतर का सही मान नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम लिख लेते हैं इसमें आंसर। इसका हम जानते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। हम जानते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, है ना। जब विद्यार्थी भूल से इसे समांतर क्रम में जोड़ता है, तो इससे अधिक धारा प्रवाहित होने लगता है, जिसके कारण एमीटर खराब हो सकता है, जिसके कारण क्या एमीटर खराब हो सकता है, ठीक है, या एमीटर खराब हो जाएगा, जिसके कारण एमीटर खराब हो जाएगा, तथा वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जब विद्यार्थी भूल से इसे श्रेणी क्रम में जोड़ता है, भूल से श्रेणी क्रम में जोड़ता है, तो विभवांतर का सही मान ज्ञात नहीं होता है। आप कभी देखे होंगे मोटर वगैरह में वोल्ट मीटर जो लगा होता है, ये तार को उल्टा पुल्टा जोड़ दिए तो डायरेक्ट काटा जो है 400 पे चल जाता है, तो क्या 400 वोल्ट करंट होता है, नहीं। तो वही है, आपको जब उल्टा जब जोड़ेंगे तो आपको क्या होगा, विभवांतर जो वोल्ट होगा वो आपको सही नहीं बताएगा, ठीक है, वो आपको क्या होगा सही, आपका जो वैल्यू आएगा वो आपको नहीं बताएगा। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। हम जानते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब विद्यार्थी भूल से इसे समांतर क्रम में जोड़ता है, तो इससे अधिक धारा प्रवाहित होने लगता है, जिसके कारण एमीटर खराब हो जाएगा, तथा वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जब विद्यार्थी भूल से इसे श्रेणी क्रम में जोड़ता है, तो विभवांतर का सही मान ज्ञात नहीं होता है। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, परीक्षा में पूछा जाता है, और बहुत ही जो है आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम इतना के लिए रहने देते हैं। अगला जो आपका टॉपिक बनेगा किरचॉफ्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, यहीं से जो है फिजिक्स जो है आपका जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यहीं से आपका
जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है। इसलिए अगला वीडियो आप में तक आप बने रहें और फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।